हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न गेट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगल एम्परर शाहजहां के बारे में। मेडिवियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का हमारा लेक्चर चल रहा है, इसके अंदर हम बात करेंगे शाहजहां जो कि हमारे फिफ्थ एम्परर हैं मुगल एम्पायर के आफ्टर जहांगीर। स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए इस वीडियो को। देखते हैं यहाँ पर क्या है शाहजहां के बारे में, कैसा इनका शासनकाल या फिर इनका रेन रहा। देखिए, इनका जो नाम बताया जाता है शाहजहां का, वैसे हम खुर्रम बोलते हैं, बचपन में इनका नाम खुर्रम था। पूरा जो नाम था इनका शिहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, जो कि पैदा हुए थे 5 जनवरी 1509, देन इनका फिर मौत, उनकी यहाँ पे जो डेथ होती है इनकी 22 जनवरी 1666 में इनकी डेथ हो जाती है यहाँ पर। अब इतना जो टाइम हम देख रहे हैं गैप है टाइम का, अगर हम यहाँ से मिलाएं इसको, तो ये टाइम का गैप इसलिए होता है यहाँ पर क्योंकि इनको औरंगजेब आलमगीर ने कैद करके रखा था आगरा किले के अंदर, जहाँ पे इनकी बाद में फिर डेथ हो जाती है यहाँ पर। तो इसलिए इनका टाइम का इतना ज्यादा गैप है। जब ये रूलर बनते हैं मुगल एम्परर, तो ये टाइटल लेते हैं शाहजहां का, अडॉप्ट करते हैं, यानी कि शाह, यानी कि शाह मतलब जहां का बादशाह, जहान का शाह यानी कि दुनिया का बादशाह। जो उसका रेन है यहाँ पर 1628 से लेकर जुलाई 1658 तक रहता है, यानी कि 30 साल तक इन्होंने रूल करा यहाँ पर। अर्ली मैरिज इनकी हो जाती है शुरुआत में, बचपन मतलब छोटी उम्र के अंदर इनकी शादी कर दी जाती है यहाँ पर। तो इनकी शादी होती है यहाँ पर आपके 1612 में अर्जुमंद बानो बेगम, जिनको हम बोलते हैं यहाँ पर मुमताज महल, ठीक है। ये नीस होती हैं, यानी कि जहांगीर की वाइफ जो होती हैं, नूरजहां के रिश्तेदारों में से होती हैं। एंड बिकम अ मेंबर ऑफ इन्फ्लुएंशियल नूरजहां क्लिक ड्यूरिंग जहांगीर रेन एज प्रिंस खुर्रम। इनके टाइम में क्या होता है कि देखो, जब राज कर रहे होते हैं यहाँ पे जहांगीर, तो जहांगीर तो सिर्फ नाम का मुखौटा है, जो असल राज हाथ में होता है वो नूरजहां के हाथ में ही होता है। तो जो नूरजहां के हाथ में राज होता है ना, वहीं पर दिक्कत की पैदा होती है कि नूरजहां इन्फ्लुएंस करती है मुगल कोर्ट को, और सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, रूल्स होते हैं, जो नूरजहां होती है, सब चल रहे होते हैं। तो शाहजहां जो है, जो शहजादा खुर्रम होता है, वो इस चीज से नाराज होता है, ठीक है। इस वजह से इसकी बैटल वगैरह भी होती है इसके भाइयों से, अपने भाइयों को मारकर फिर ये रूलर बन जाते हैं यहाँ पर। अब बात करें इनकी अर्ली लाइफ की शाहजहां के बारे में। शाहजहां बहुत बॉर्न इन लाहौर, लाहौर में इनकी पैदाइश हुई जो कि पाकिस्तान में के टाइम में है। और ये किसके बेटे होते हैं, प्रिंस सलीम के। अब देखो, जो प्रिंस सलीम के बेटे होते हैं, कैसे हमने कहा, क्योंकि जिस समय ये पैदा होता है शाहजहां, उस टाइम तक जो सलीम है, जो जहांगीर है, वो सिर्फ राजकुमार ही होता है। जब ये गद्दी पर बैठेगा जहांगीर, तो इसका बेटा जो है यहाँ पर खुसरो, उसको चैलेंज कर डालेगा यहाँ पर। खैर, इनकी जो माँ होती है वो राजपूत होती है, जो मारवाड़ की रानी होती है, मतलब वहां से प्रिंसेस होती है वहां की। इनके पिता का नाम होता है जगत, सॉरी, जिनका नाम होता है जगत गोसानी, जिनको हम बिल्के बिल्किस मखनी भी कहते हैं यहाँ पर। फॉलोइंग जहांगीर डेथ, ही ओवरथ्रो हिज राइवल फ्रॉम थ्रोन एंड इमर्ज विक्टोरियस ऑन February 14, 1628। ही वॉज क्राउंड इन आगरा। आगरा एट दैट टाइम वॉज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर की राजधानी हुआ करती थी उस टाइम आगरा। बाद में शाहजहां के टाइम में ही हम देखते हैं कि जो कैपिटल है वो चेंज होकर दिल्ली आ जाती है। तो ये बैठते हैं, अगर हम नॉर्मली इसको रफली मान लें, तो भैया फरवरी के महीने में 1628 पर गद्दी पे बैठते हैं। हालांकि यहाँ पर अगर हम देखें, तो उस समय तक जो इनके दूसरे भाई होते हैं वो गद्दी पे बैठते हैं, बाद में हटते हैं, ये चीज चलती रहती है। एक भाई दूसरे भाई को मारता रहेगा, वो हटता रहेगा गद्दी के ऊपर, वो चीज नॉर्मल सी रहती है यहाँ पर। मगर बाद में शाहजहां गद्दी पे बैठ जाते हैं। ही वॉज ट्रेन इन मटेरियल आर्ट एंड अ वेराइटी ऑफ फाइन आर्ट्स। ही वॉज प्राइमरली राइज बाय अकबर फाइव फर्स्ट वाइफ द चाइल्डलेस एम्प्रेस रुकैया सुल्ताना बेगम। बचपन में ही इनको आर्ट से शौक रहता है, मतलब पेंटिंग वगैरह करने शौक होता है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनवाने में शौक देखते हैं ज्यादा ये। और इनको जो इनकी दादी होती है यहाँ पर, हम दादी ही बोलेंगे यहाँ पर, कि जो रुकैया सुल्ताना होती है, वो इनको पालकर बड़ा करती है, इनके बच्चे नहीं होते। देखो मतलब तो दादी है वो सौतेली दादी इनकी होती है यहाँ पर ये। फिर अब बात करें इनके रेन की, इनका रेन हम कहते हैं कि ग्लोरियस टाइम होता है मुगल एम्पायर के टाइम में, कि सबसे ज्यादा हम देखते हैं इसी टाइम उरूज पे जाता है मुगल एम्पायर। हालांकि कोई पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता, पूरी तरह से पहुंचता है आलमगीर औरंगजेब के टाइम में। तो देखते हैं शाहजहां वॉज अ कैपेबल मिलिट्री कमांडर वाइल स्टिल अ प्रिंस। ही वॉज एबल टू ऑब्टेन द परमिशन ऑफ राजपूत स्टेट ऑफ मेवाड़, विच अकबर हैड बीन अनेबल टू डिफीट। मेवाड़ वॉज द
मेवार वॉज देन मेड अ वेसल ऑफ मुगल एम्पायर। अभी मैंने कहा था कुछ टाइम पहले, मैंने बनाई थी वीडियो के बाद हम बात करें कि राणा प्रताप जो है वो मेवाड़ से थे यहाँ पर। तो बाद में क्या होता है कि अंबर जो अमीर जो अमर सिंह जो होता है वो इनके कंट्रोल में बाद में यहाँ पर आएगा, शाहजहां कंट्रोल में एज अ रूलर बन जाएगा इनका, मतलब सॉरी वैसल बन जाएगा इनका। ये कब होता है? शाहजहां के टाइम में ही होता है, मगर इस टाइम ये बात ध्यान रखनी है शाहजहां राजा नहीं था यहाँ पर। वेन शाहजहां बिकम एम्परर ही एग्जीक्यूटेड मेनी ऑफ हिज फॉर्मर राइवल्स इंक्लूडिंग हिज ओन ब्रदर शाहयार एम्परर बिफोर जस्ट हिम फॉर 3 मंथ। यहाँ पर शाहयार इसको बोलते हैं यहाँ पर, और ये बेटे थे नूरजहां के। नूरजहां ने इनको सपोर्ट करके गद्दी बैठाया, मगर ये बड़े भाई थे शाहजहां के। हालांकि होता क्या है कि शाहयार को शाहजहां मार देता है यहाँ पर, और इसके अलावा जितने से छोटे मोटे जो भाई होते हैं यहाँ पर उन सबको ये मार मार कर खत्म करके, कि जो मुगल्स थे उनके यहाँ कोई ऐसा रूल नहीं था। हम बात करते हैं जैसे इंडिया में क्या है, मुगल्स रूल्स ऑफ सक्सेशन डिड नॉट फॉलो प्रीमो जेनिचर, मतलब कि भाई बाप के बाद जो ज्येष्ठ पुत्र है, जो बड़ा बेटा है वो बनेगा राजा, वो सिस्टम नहीं था यहाँ पर। इनके यहाँ पर ये था जो ताकतवर है वो रूल करेगा, जो सारे भाई हैं उसको मारकर खत्म कर देगा यहाँ पर। अपॉन द डेथ ऑफ अ रूलर देयर वॉज अ ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग पावर फॉर बिटवीन द ब्रदर्स इन मुगल कोर्ट। बिफोर बिकमिंग किंग ही सर्व एज गवर्नर ऑफ दक्कन बिहार बंगाल गुजरात दिल्ली एज अ प्रिंस। दिल्ली यहाँ पे क्या है, उस टाइम में सिर्फ एक प्रोविंस थी, स्टेट ने मतलब राजा की जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो दिल्ली में नहीं थी, वो शाहजहां लेकर आता है इसको दिल्ली के अंदर। और इस टाइम हम क्या देखते हैं कि भाई जो ये बच्चे हुआ करते थे राजाओं के, वो गवर्नर बनते थे अलग अलग प्रोविंस के अंदर। और जो दक्कन में जो गया भाई, वो तो खासकर पे ज्यादा से जो दक्कन गया, बंगाल गया, गुजरात गया, वहां पे ज्यादा रिबेल थी, तो उसको ज्यादा से ज्यादा वहां पर एक्सपीरियंस होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, कि रिबेल्स किस तरह से कुछ ली जाती है यहाँ पर, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को सही से चलाया जा सकता है, ये चीज जो वहां पर गया वो सीख सकता था अच्छे तरह से यहाँ पर। और जो शाहजहां थे ये भी एक गवर्नर रहे शुरुआत के अंदर, अलग अलग टाइप ऑफ मतलब अलग अलग मतलब कहीं कभी कहीं कभी कहीं पर बनाया गया इनको गवर्नर यहाँ पर। बाद में ये दिल्ली आ जाते मतलब आगरा पहुंच जाते हैं। इसलिए होती थी ये चीज, क्योंकि इनको प्रैक्टिस वगैरह हो पाए, एक्सपीरियंस हो पाए, जो रहेगा उसको प्रैक्टिस होगी, एक्सपीरियंस होगा, वो अच्छे से रूल कर पाएगा यहाँ पर। शाहजहां एक्सपेंडेड द मिलिट्री एंड प्रोमोटेड द प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स एज किंग ही एनेक्स सेवरल टेरिटरीज। देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो शाहजहां है इसने काफी सारी टेरिटरी को तो गेन नहीं करा, इसके जो बेटा होगा औरंगजेब आलमगीर वो टेरिटरी को गेन करेगा बहुत ज्यादा। यहाँ पर इसने कुछ टेरिटरीज को लिया, मगर इसने क्या करा, स्टेबिलिटी जो थी एम्पायर को उसको बरकरार रखने की नहीं है, जो एम्परर है उसकी पावर को बढ़ाने की नहीं है, यहाँ पर उसने कई सारे आर्म्स फैक्ट्रीज को स्टेब्लिश करा, सूरत में थी, बिहार में, बॉम्बे, उन टाइप इनके पास नहीं था यहाँ पर। और हम कहेंगे तो जो दिल्ली है वहां पर आसपास जो इलाके थे वहां पर कुछ हथियार वगैरह बनाए जाते थे इनके लिए, ताकि जो एम्पायर है बड़ी से बड़ी आर्मी रख पाए, कि जहां भी बड़ा कोई ताकतवर खुद खड़ा हो उनके खिलाफ रिबेल करे उसको झटके में साफ कर सके यहाँ पर। ही वॉज द कस्टमरी शाहजहां मैरिड सेवरल टाइम एज अ कस्टमरी, मतलब मुगलों के अंदर यहाँ पर क्या था, कस्टम था, कोई रिलीजियस कस्टम नहीं है, राजा है तो वो करेगा भी ऐसी सीधी बातें, तो कई लोगों से कई औरतों से शादी करते थे वो यहाँ पर। ये शादियां जो ज्यादातर थी ये मैट्रिमोनियल अलाइंस थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये ऐसा लोग बोलते हैं कि ये अपनी हवस की शादियां करते थे, वो भी नहीं है यहाँ पर। वजह यहाँ पर ये थी कि जिसके हम हरा देंगे वो हमारा दुश्मन ना बन जाए बन पाए, इसलिए उससे जो उसकी बेटी है उससे शादी कर लेते हैं यहाँ पर, उसकी बेटी बीवी से शादी हम कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे हम देखते हैं अर्जुमन बानो बेगम, बेटर नोन एज मुमताज महल, शी डाइड इन चाइल्ड बर्थ। शादी करते हैं इनकी जो बेजो मतलब हम कहते हैं जो मुमताज महल है, बेगम हजरत मुमताज महल इनका नाम कहते थे लोग उस टाइम में, तो इनकी मौत होती है दक्कन में, जब अपने बच्चों को जन्म दे रही होती है, बच्चा तो बच जाता है, ये मर जाती है उस टाइम 1631 के अंदर। और शाहजहां बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, और कहते हैं काफी लंबे अरसे को बीमार रहे, दरबारों ने बिल्कुल छोड़ दिया था यहाँ पर, और जिंदगी इनकी बिल्कुल बेनूर हो गई थी यहाँ पर। ही हैड द ताजमहल बिल्ट इन हर ऑनर एंड ही इज पर हैप मोस्ट फेमस ऑफ हिज आर्किटेक्चरल फीट। सबसे बड़ा उन्होंने ताजमहल बनवाया, मकबरा जो मौजूद है दुनिया का 7वां अजूबा में से एक है वो यहाँ पर, तो इनके ऑनर के अंदर बनवाया, की कसम खिलवाई थी चाह जो जहाँ सॉरी मुमताज ने कि आप मेरे लिए मकबरा बनाओगे, मकबरा बनवाया जाता है भाई यहाँ पर। और इसके अलावा बहुत सारे आर्किटेक्चरल काम तो शाहजहां ने
बहुत ज्यादा करे यहाँ पर। बहुत सी चीजें ऐसी जो बिल्कुल खराब हो चुकी है, दिखती भी नहीं मगर काम बहुत करवाए। हम देखते हैं मोती मस्जिद, पर्ल मॉस्क इन आगरा, रेड फोर्ट दिल्ली का जाम मस्जिद दिल्ली की, और शालीमार गार्डन एंड सेवरल अदर बिल्डिंग्स इन मॉडर्न पाकिस्तान ऑल्सो हैड फेमस पीकॉक थ्रोन, तख्ते ताबूस को बनवाया उन्होंने। और यहाँ पर फिर इसके अलावा हम देखते हैं भाई बहुत सी चीजें उन्होंने बनवाई थी दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बाहर। दिल्ली का लाल किला है, कई बार लोग समझते हैं कि इसको बनवाया था यहाँ पर जो तोमर राजा थे, जिसका नाम था लाल दुर्ग। वो लाल दुर्ग मेहरौली में है भाई, पुराने दिल्ली के अंदर वो नहीं आता, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। देन अब देखते हैं हम इनके मिलिट्री कैंपेन क्या रहे। जवानी के अंदर जब ये प्रिंस थे, अभी इनको मिलिट्री कैंपेन दिए गए बहुत सारे। यहाँ पर फोरम्स मिलिट्री प्रोग्रेस वॉज फर्स्ट पुट इन द टेस्ट ड्यूरिंग द मुगल कैंपेन अगेंस्ट द राजपूत स्टेट ऑफ मेवाड़ विच हैड बीन अ हॉस्टाइल फोर्सेस सिंस अकबर रेन। मेवाड़ में राजा राजपूत जो राजा थे, मतलब वहां के जो राणा प्रताप था, वो इनके लिए हमेशा थ्रेट रहा यहाँ पर। हालांकि जहांगीर उसके खिलाफ कैंपेन करता है और जो अकबर होता है, जो राणा प्रताप होता है, उसको हरा देता है यहाँ पर, मगर कंट्रोल में नहीं आ पाता बिल्कुल सही तरह से। वो तो ये काम करता है यहाँ पे शाहजहां। शाहजहां इसको हराता है 1414 के अंदर यहाँ पर 20,000 की फौज के साथ। और इस टाइम पे भाई यहाँ पर राणा अमर सिंह जो होता है फर्स्ट, वो सरेंडर कर डालता है और वैसल स्टेट बन जाता है मुगल एम्पायर का। इन 1617 खुर्रम वाज सेंट टू दक्कन टू डील विद द लोधीज। अब ये लोधी जो दिल्ली के थे वो नहीं थे, ऐसा नहीं कि लोधी खत्म हो चुके थे यहाँ पे, जो अफगान थे खत्म हो गए थे। इनकी अपनी अपनी प्रिंसिपैलिटीज होती थी, कई बार वो सूबे थे, सूबे के इलाके, मतलब सूबेदार थे कई इलाकों के यहाँ पर छोटे मोटे, तो ये चीज रहा करती थी यहाँ पर। मगर जो लोधी थे इनके लिए खतरा था, जहांगीर के लिए बहुत ज्यादा खतरा थे ये लोधी। तो जहांगीर ने शाहजहां को भेजा दक्कन में अटैक करने के लिए, और इन्होंने दक्कन में जो जीता हुआ इलाका था वापस इसको जीता और इस्टेब्लिश कर डाला यहाँ पर इम्पीरियल कंट्रोल ओवर द रीजन ऑफ दक्कन। हिज विक्टोरियस इन दिस कैंपेन अर्न हिम टाइटल लाइक टाइटल ऑफ शाहजहां, के शाह जो है जहान का मालिक, एज वेल एज हायर मिलिट्री रैंक एंड स्पेशल थ्रोन इन दरबार, एन अनप्रेसिडेंटेड ऑनर फॉर अ प्रिंस कमेंटिंग हिज पोजिशन एज क्राउन प्रिंस। जो क्राउन प्रिंस होता है इसका मतलब यहाँ पर ये यह होता है कि जो बादशाह मरेगा उसका जो प्रिंस बनेगा वो, मतलब उत्तराधिकारी आयर यहाँ पर इसका बोलते हैं, हायर आयर जिसको बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या था भाई, शाहजहां ने बहुत सारे टाइटल मिले उसको यहाँ पर, वो जीतता चला गया यहाँ पर, और आखिर में हुआ ये कि भाई उसको चुन लिया गया राजा बनने के लिए यहाँ पर। बात करें इसके एडमिनिस्ट्रेशन की, अकॉर्डिंग टू एविडेंस फ्रॉम शाहजहां एंड द आर्मी इन 1648 कंसिस्ट 8,11,414 9 लाख के करीबन इसकी आर्मी थी। मैं इन्फेंट्री जो चलते थे पैदल, ठीक है, मस्केटर्स एंड आर्टिलरी मैन थे यहाँ पर, एज वेल 1,85,000 सवार कमांडेड बाय प्रिंस एंड नोबल्स, 1,85,000 घुड़सवार थे, और 9 लाख मतलब 10 लाख मान लो, मतलब मरे से मरे 12 लाख इनके पास फौज थी उस टाइम के अंदर। मगर एक चीज थी जो इनके पास नहीं थी, नेवी। नेवी इनके पास नहीं थी, इन्होंने नेवी बनाई नहीं कभी भी सही से, उन्होंने छोटे मोटे जहाज हुआ करते थे इनके पास। सो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। हिज कल्चरल एंड पॉलिटिकल बिगिनिंग हैव बीन डिस्क्राइब एज किंग ऑफ अ तिमुरिड रेनेसांस इन विच ही फॉरगेट हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल टाइज विद हिज तिमुरिड एंसेस्टर्स मेनली थ्रू सेवरल अनसक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन इन द नेटिव रीजन ऑफ बल्ख। बल्ख के अंदर शाहजहां ने कई बार अटैक करे मगर ये अनसक्सेसफुल रहा यहाँ पर। मगर जो हम कहते हैं कि जो तैमूरों की शांति, उसको इन्हें आपस से मतलब उजागर किया, इस्टेब्लिश करा यहाँ पर मुगल एम्पायर के अंदर, क्योंकि ये इनके जो एंसेडर थे तैमूरिद भी थे, मंगोल भी थे। तो ठीक है, यह चीज करी इन्होंने। शाहजहां अप्रोप्रिएटेड हिज तैमूरिड हेरिटेज एंड ग्राफ्टेड इट इनटू हिज इम्पीरियल लेगेसी इन वेरियस फॉर्म स्पेशली इन आर्किटेक्चर। जो हेरिटेज थी तैमूरिद की, अगर आप देखोगे जो बिल्डिंग्स बनी होती हैं उसमें जो नीला पत्थर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ये जो सिस्टम था ये तैमूरों के यहाँ पर रहा करता था। वो चीज़ शाहजहां ने अपने आर्किटेक्ट के अंदर अपनाई, स्पेशली अफगानिस्तान जो पाकिस्तान की अंदर बिल्डिंग बनी वो इसी वजह से बनवाई गई है यहाँ पर। ड्यूरिंग हिज रेन मारवाड़ी हॉर्स विच बिकम शाहजहां फेवरेट वॉज इंट्रोड्यूस एंड फेवर वेरियस मुगल कैनल्स वर मास प्रोडक्शन इन जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट के अंदर बहुत सारी तोप बनाई गई थी, और ये तोपें जो बनाई जाती थी
ये राजपूतों के स्टेट के आसपास बनती थी, क्योंकि राजपूत बार बार बगावत करते रहते थे यहाँ पर। मारवाड़ी घोड़े थे उनका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि लड़ने में अच्छे थे, थकते जल्दी नहीं थे वो यहाँ पर। अंडर हिज रूल द एम्पायर ग्रो इनटू अ मैसिव मिलिट्री मशीन एंड द नंबर ऑफ नोबल एंड देयर कंटिंजेंट्स नियरली क्वाड्रुपल्ड एज डिड सिटीजन डिमांडेड फॉर बोर्न रिवेन्यू। यहाँ पर क्या हुआ, इसके टाइम के अंदर जो देश था, मुगल एम्पायर था, ऐसा मिलिट्री मशीन बन गया बिल्कुल वो यहाँ पर। मगर साथ में ये चीज भी हुआ कि उसके ऊपर बोझ पड़ने लग गया था। इस टाइम जो जनता थी उससे ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू इकट्ठा करना शुरू किया गया, क्योंकि जो दरबारी थे उनका खर्चा भी तो निकालना यहाँ पर था। हाउएवर ड्यू टू हिज फाइनेंशियल कमर्शियल पॉलिसी इट वॉज अ पीरियड ऑफ जनरल स्टेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेंट्रलाइज एंड कोर्ट्स केसेस वर ऑर्डरली। हालांकि फिर भी हम देखते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन काफी हद तक बेहतर थी, पॉलिसीज की अच्छी थी कमर्शियल यहाँ पर। इससे क्या हुआ, जो एम्पायर है उसमें स्टेबिलिटी रही, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो, जो सेंट्रलाइज रही यहाँ पर, जो कोर्ट केसेस चलते थे, जो लोगों की सुनवाई थी वो सही से रही यहाँ पर, जो मुगल कोर्ट थी एज वेल एज वो भी सही से काम करती थी यहाँ पर। ड्यूरिंग हिज रेन द मुगल एम्पायर एक्सपेंडेड मॉडरेटली मॉडरेटली एज ही सन कमांडेड लार्ज आर्मी ऑन वेरियस फ्रंट्स। शाहजहां ने एक चीज ये करी जो अकबर ने नहीं करी थी, कि उसने अपने बच्चों को युद्ध के मैदान के अंदर डायरेक्ट भेजा कि जाके लड़ो। जिसमें अगर हम देखें जो सबसे खास थे औरंगजेब आलमगीर थे, शाह शुजा भी था यहाँ पे, और काफी तक मुराद भी था। दाजी को फिर भी नहीं था, क्योंकि दाजी को शाहजहां का सॉरी शाहजहां का फेवरेट था, वो उसको भेजते नहीं थे। और वहीं से देखते हैं दाजी का की जो वजह बनती है हारने की, वो बन जाती है आगे चल के। एट द टाइम इंडिया वॉज अ फ्लरिश सेंटर ऑफ आर्ट्स क्राफ्ट एंड आर्किटेक्चर एंड सम ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड फेमस फाइनेस्ट आर्किटेक्ट आर्टिशियन क्राफ्टमैन पेंटर्स एंड राइटर्स लिव इन शाहजहां एम्पायर। जब शाहजहां के यहाँ पे जो फेमस चीज होती है ना, वो यही चीज है, आर्किटेक्ट। के शाहजहां का आर्किटेक्ट इतना बढ़िया था, आप देख सकते हो ताजमहल कितना खूबसूरत है, तो वो चीजें यहाँ पर ही इस्टेब्लिश हुई थी। बात करें, जब हम बात करते हैं एक्सपेंशन की, या फिर हम बात करते हैं डिप्लोमेसी की, तो रिलेशन आते हैं यहाँ पे दक्कनी सुल्तान है उनसे। तो शाहजहां ने कैप्चर करा दौलताबाद फोर्ट्रेस इन महाराष्ट्र इन 1632, इम्प्रेजेंट हुसैन शाह और निजाम शाही किंगडम ऑफ अहमदनगर। तो दौलताबाद फोर्ट तक इसके अंडर था, यहाँ पर अहमदनगर के अंडर था। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जहांगीर के टाइम के अंदर ही यहाँ पर जो अहमदाबाद अहमदनगर था उसने रिबेल कर दी थी यहाँ पर मलिक अंबर के अंडर। तो जो जहांगीर है वो कोशिश तो करता है, कुछ रीजन को जीत भी पाता है, मगर पूरा कंट्रोल नहीं कर पाता। तो शाहजहां ये काम करता है, और जो हुसैन शाह होता है निजाम शाही हुकूमत का जो, उसको कैद करके रख के मार डालता है यहाँ पर। गोलकुंडा सरेंडर इन 1635 फॉलो बाय बीजापुर इन 1636। औरंगजेब वॉज अपॉइंटेड वाइसराय दक्कन बाय शाहजहां, विच इंक्लूडिंग खानदेश बेरार तेलंगाना दौलताबाद वॉज और विक्ट्री ओवर देम बाय औरंगजेब आलमगीर। जो औरंगजेब आलमगीर है उसने बहुत सारे जगह पर कब्जा करा, इसमें खानदेश हो, बेरार हो, तेलंगाना हो गया आपका, और दौलताबाद जहाँ पर है। अब यहाँ पे बात ध्यान लगनी है कि शाहजहां डायरेक्टली नहीं जाया करते थे लड़ने के लिए, शुरुआत में तो जाते थे, बाद में जाना बंद कर दिया था। खासतौर पर जब औरंगजेब बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो शाहजहां ने कैंपेन करने बंद ही कर दिए थे। और स्पेशली कब, जब उनकी बीवी जो मर जाती है बेगम हजरत महल, तो वो करते नहीं मिलिट्री कैंपेन बिल्कुल भी। औरंगजेब देन कॉन्कर्ड बगलाना गोलकुंडा इन 1656 एंड बीजापुर इन 1657 ड्यूरिंग हिज वाइसरॉयल्टी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि शाहजहां ने कैप्चर तो कर लिया, सरेंडर करवा दिया इनका, मतलब ये उसके कंट्रोल में तो आ गए, मगर उनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं हुआ इनके ऊपर। ये काम करा औरंगजेब आलमगीर ने, बाद में वो राजा बन जाएंगे यहाँ पर। अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो सफेद रूलर है उनके साथ क्या रिलेशन है इनके। ये आता है 1638 में, शाहजहां एंड ही सन कैप्चर कांधार फ्रॉम द सफाविद, बट इन 1649 सफाविद टूक बैक इट बाय बैक ड्यूरिंग अब्बास सेकेंड रूल। अब देखो यहाँ पर जो कांधार है वो सफाविद रूलर्स के अंडर आया करता था। उस टाइम जो रूलर थे सफाविद का वो था अब्बास सेकेंड, और खिलाफत का टाइम चल रहा था उस टाइम। जो सफाविद थे उनके अंडर ही यहाँ पर खिलाफत अब्बासिया चल रही थी, रेन था उस टाइम का उनका, मगर वो पावरफुल नहीं थे। तो ये आपस से जो कांधार है वो जहांगीर के अकबर के टाइम से शुरुआत होती है यहाँ पर।
वो जो औरंगजेब का टाइम आएगा वहीं पर हमेशा बनी रहती है वहाँ, मतलब जो लड़ाई है जो बनी रहती है यहाँ पर, कि ये किसका एरिया है यहाँ पर, जो सफ़वी त्यों के जैसे ये हमारा है, जो मुगल त्यों के जैसे ये हमारा है, कभी किसी के हाथ में कभी किसी हाथ में, वो पहुँचता रहता था बार बार यहाँ पर। ड्यूरिंग रिपीटेड सीज ड्यूरिंग मुगल सफ़वी रूलर मुगल आर्मीज पर अनेबल टू टेक रिटेक इट, कई बार कोशिश करते हैं मगर वो जीत नहीं पाते हैं। राजा शाहजहां ऑल्सो एक्सटेंडेड मुगल एम्पायर वेस्टर्न गजना एंड, ये मैंने पहले ही कर दिया है, खैर पास की बात पहुंचा चुके थे यहाँ पर। अब बात करते हैं ऑटोमन्स के साथ इनके रिलेशन कैसे थे। बहुत ही अच्छे थे भाई, जो ऑटोमन्स थे इनको हेल्प करते थे खास तौर पर अपनी मिलिट्री के जरिए से, मतलब मिलिट्री नहीं भेजते थे, अपने वेपन्स और जो उनके हम कहते हैं कि भैया जो हथियार बनाने वाले लोग थे उनको यहाँ पर इंडिया के अंदर जो ऑटोमन्स थे वो भेजते थे। वजह क्या थी, क्योंकि इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के टाइम में जब थॉमस राव गया था वहां पर तो उनके पैर जम चुके थे और सूरत के अंदर की बंदरगाह भी बन चुकी थी यहाँ पर, तो पोर्तुगीज का इन्फ्लुएंस ना बढ़ पाए यहाँ पर, इसलिए जो ऑटोमन्स थे वो रिलेशन अच्छे थे अपने इंडियन से, उनको बाकायदा मिलिट्री टैक्टिक्स सिखाते थे यहाँ पर, मिलिट्री वेपन्स का जो हम कहते हैं प्रोडक्शन था वो बाकायदा यही सिखाया करते थे इनको ये लोग। ड्यूरिंग इंस्टेंट बगदाद द ऑटोमन सुल्तान मुराद फोर मेट विद द शाहजहां एम्बेसडर मीर जाफिर जरीफ एंड बरखा बराका हु प्रेजेंटेड हिम विद 1000 पीसेस ऑफ फाइनली एम्ब्रॉयडेड क्लॉथ एंड इवन आर्मर। बगदाद के जो बगदाद में जब रुके हुए थे यहाँ पर ये एम्बेसडर थे शाहजहां के मीर जाफिर और बरका, तो मुराद सेकेंड को फोर्ट को उन्होंने कुछ हद वो दिए, हम कहेंगे भैया कुछ कपड़े वगैरह दिए सजे सजे यहाँ पर, तो जो मुराद थे उन्होंने कुछ उनको वेपन्स दिए यहाँ पर, किसी नहीं कि भाई मुगल जो लोग हैं काम आ जाएंगे यहाँ पर। फिर बसरा से होकर बसरा जो मुगल पोर्ट थी उस टाइम के अंदर, वहां से सॉरी मुगल को पहुंचाया गया बसरा पोर्ट से उनकी थट्टा वाली पोर्ट गुजरात के पास थी यहाँ पर, बसरा तो उनकी कंट्रोल में था अपन जो हो गया ना मैं ऑटोमन से। फिर आता है यहाँ पे वॉर विद पोर्तुगीज, औरंगजेब के टाइम में ये वॉर होनी शुरू हो चुकी थी यहाँ पर, मगर बाद में ये जो पोर्तुगीज हैं इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, सोचते हैं कि भैया राज तो हमारा ही चलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, शाहजहां कासिम को डायरेक्टेड करते हैं, कासिम खान इनका वायसराय होता है बंगाल का, और हम बात करें शाइस्ता खान बाद में बनेगा यहाँ पर औरंगजेब के टाइम में। बंगाल क्या होता है भैया, क्या पोर्तुगीज जो है इनको हुगली पोर्ट से निकाल दो 1631 में। रीजन क्या था यहाँ पर भाई, रीजन यहाँ पर ये था कि पोर्तुगीज के पास नेवी थी, मुगल के पास तो नेवी थी ही नहीं, जो मराठास थे उनके पास भी नेवी थी, मुगल कमजोर थे नेवी के अंदर। हुगली पर इसलिए अटैक किया गया था कि जो पोर्तुगीज थे वो मुगलों की बात को मान नहीं रहे थे, और मुगलों ने कभी उनको कहा ही नहीं कि आप हुगली में कोई पोर्ट बनाइए। हुगली में पोर्ट को पोर्तुगीज ने अपने आप डेवलप करा था, और जो हुगली की पोर्ट बनी बनी तो उनकी वजह से ही थी यहाँ पर पोर्तुगीज की वजह से, वरना आज पोर्ट भी ना होती शायद। मगर दिक्कत यहाँ पर क्या थी कि पोर्तुगीज स्मगलिंग करते थे यहाँ पर, स्मगलिंग करते थे कि पोर्तुगीज अक्यूज ऑफ स्मगलिंग बाय हाई मुगल ऑफिशियल एंड मुगल कंट्रोल पोर्ट ऑफ सप्तग्राम की जो पोर्ट थी बिगिन टू सफर फ्रॉम कमर्शियल कॉम्पिटिशन। सप्तग्राम की जो पोर्ट थी वहां पर मुगल बकायदा भाई हम कह सकते हैं कि भाई वो टैक्सेस लगाते थे, मगर जो हुगली पोर्ट थी वो आगे थी उससे, तो वो पहले ही वहां पर हमारे को व्यवस्थित रोक लिया करते थे यहाँ पर। दूसरी वजह यहाँ पर क्या हुई इनके जैसे कि जैसुइट शुरुआत होती है बाबर अकबर के टाइम में आने से, ये वो लोग थे जो इस्लाम के या फिर जो हिंदुइज्म जो इंडिया के अंदर था उसके खिलाफ थे, और चाहते थे कि जो इंडियन लोग हैं उनको हम क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर लें, इसके लिए लोगों को पैसे देना, जो गरीब किसान हैं उनको मदद करके बहाने, मतलब उनको क्रिश्चियन बनाना जरूरी यहाँ पर मानते थे वो लोग, और कई स्कूल खोलना बहुत से काम वो लोग करते थे, जिस वजह से मुगल थे इनके खिलाफ हुए, उन्होंने अटैक करना शुरू करा इनके खिलाफ। और सेप्टेम्बर 25, 1632 मुगल आर्मी रेज द इम्पीरियल बैनर एट टू कंट्रोल ऑफ बंदेला रीजन, द गैरिसन वॉज पनिश्ड शाहजहां पॉलिसीज। तो इन्होंने यहाँ पर करके इसको बंदेला को खत्म कर डाला, बुंदेला जो रीजन था यहाँ पर, और साथ से जो पोर्तुगीज की ताकत यहाँ पर खत्म की गई। अब बात करते हैं शाहजहां की पॉलिसीज जो थी यहाँ पर, पहले बात करते हैं रिलीजियस एंड लैंग्वेज टॉलरेंस। शाहजहां के अंदर टाइम के अंदर ही हम देखते हैं कि जो हिंदवी लैंग्वेज है जो ओरिजिन माना जाता है हिंदी का, जो हिंदवी होती है उसमें
उर्दू थोड़ी सी थोड़ी हिंदी भाषा होती है, संस्कृत होती है, दूसरी भाषा होती है, उनका मिक्सचर होता है इसके अंदर। तो ये इन्हीं के टाइम में यहाँ पर अपने टाइम के अंदर बोली जाने लगी थी। यहाँ पर जो मुस्लिम थे, हिंदू थे, इनको इक्वालिटी मिलती थी इनके रिलीजन के अंदर भी। और अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन हो, मिलिट्री हो, सबके अंदर खासतौर पर इनकी इम्पोर्टेंस यहाँ पर थी। और इवन जो हिंदू राजपूत थे उनको तो यहाँ पर भाई आर्मी के अंदर खास तौर पर रखा जाता था, क्योंकि वफादार लोग थे यहाँ पर ये काफी। बाद में क्या हुआ, खैर जब बात करते हैं जो औरंगजेब आएगा, फिर तो भाई टाइम बदल जाता है। यहाँ पर 30 साल ये रूस मतलब क्या सॉरी रूल करते हैं यहाँ पर। और जो भी हम बात करते हैं, चाहे इंडिया में हिंदू हो, सिख हो, जितने भी रिलीजन होते हैं उनके धर्मों को ये मनवाते हैं अपने यहाँ पर। पर्शियन जो थी इनकी दरबारी लैंग्वेज थी, मगर दरबार के अंदर ये सिर्फ लिखने वाली लैंग्वेज रह चुकी थी यहाँ पर। बाकी हम देखते हैं कि भैया जो हिंदी भी है वो चलने लग गई थी इस टाइम में। रिफॉर्म्स करे उन्होंने बहुत सारे, जो रेवेन्यू है उसको रेस करा। रेस करने की वजह यहाँ पर ये थी कि एम्पायर की स्टेबिलिटी बढ़ाई जाए। और जो कुछ अवाब थे, अवाब यहाँ पर कई सारे हुआ करते थे, लैंड रेवेन्यू का सिस्टम सिस्टा थे यहाँ पर। ये अलग अलग अवाब लगते थे यहाँ पर, मतलब कि हम कहें कुछ जरूरत के नहीं है, 10% एक है, 5% एक है, कि ये चीज में देना पड़ेगा टैक्स। ये शुरुआत हुई थी यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, उसको उन्होंने खत्म कर डाला अवाब को यहाँ पर। फिर आप बात करते हैं हम जो आर्किटेक्चर है, खासतौर पर जो शाहजहां है वो जाना ही इसलिए जाता है यहाँ पर, उन्होंने बहुत सारे मतलब बिल्डिंग स्ट्रक्चर वगैरह बनाए थे। जैसे कि हम देखते हैं गोल्डन एज ऑफ मुगल पहुंच जाता है उस टाइम को। सबसे पहला खास चीज जो यहाँ पे आती है वो ताजमहल होता है, जो बनाया था उन्होंने अपनी बिलव्ड, हम बोलेंगे एम्प्रेस के लिए, मुमताज महल के लिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस जो औरंगजेब है, जब ये मर जाते हैं तो औरंगजेब को बनाया, मतलब इनको दफना देते हैं वहीं पर ताजमहल के अंदर ही। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पे कोहिनूर है, तख्ते ताऊस है, ये सब बनवाया था शाहजहां ने। इसके अलावा रेड फोर्ट जो हम जानते हैं, दिल्ली का फोर्ट लाल किला इसको बोलते हैं हम यहाँ पे, आगरा फोर्ट है, जामा मस्जिद है, वजीर खान मस्जिद है, मोती मस्जिद है, शालीमार गार्डन है, लाहौर फोर्ट का कुछ हिस्सा बनवाया था। मतलब लाहौर फोर्ट जो था बना हुआ था पहले से, जहां संगमरमर लगा वो लगा था शाहजहां ने। आगरा फोर्ट था उसके अंदर जो काम देखते हैं संगमरमर का, वो शाहजहां ने करवाया था। महाबत खान मस्जिद पेशावर में, मिनी कुतुब मीनार इन हस्तशाला, जहांगीर मोजोलियम, ये सब बनवाए थे शाहजहां ने अपने टाइम के अंदर ही, ठीक है। और इनके टाइम के अंदर हम देखते हैं जो कुरानिक वर्सेस हैं उनका इस्तेमाल किया जाने लग गया था बिल्डिंग के ऊपर ज्यादा। ऐसा नहीं था कि पहले इस्तेमाल नहीं था, पहले भी इस्तेमाल था, इनके टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। वो संगमरमर के अंदर कटाई करवाकर बाकायदा उसके अंदर काला या नीला पत्थर लगा के लिखवाया करते थे इस तरह से। इससे पहले क्या था कि जो लाल बलुआ पत्थर है उसी के ऊपर लिखा जाता काट के तराश के। इनके टाइम में चेंजेस होने शुरू हुए काफी यहाँ पर। अब बात करते हैं शाहजहां मस्जिद, जो कि आज के टाइम में हालाइन सिंध के अंदर मौजूद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है यहाँ पर। इसके ऊपर 93 डोम्स बने हुए हैं। मस्जिद में जो हम कहते हैं ना, जो तैमूरी डायनेस्टी का सिस्टम था उसका बिल्कुल इस्तेमाल किया गया है, पर्शियन आर्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल की गई है इसके अंदर। अब बात करें इसके अलावा हम कौन सी चीज यहाँ पर आती है, डेथ कब होती है, डेथ इनकी होती है भैया 1658 के अंदर। हालांकि उस टाइम से पहले ही 8 साल पहले या 9 साल पहले इनको गद्दी से हटाया जा चुका होता है। ये अपने बेटे दाशिको को अपना हम बोले कि सक्सेसर अनाउंस कर डालते हैं यहाँ पर, मुमताज महल के दबाव के अंदर आकर। मतलब मर चुकी होती है उस टाइम तो, मगर ये उनके ही बेटे थे इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। फिंगर के बेटे भाई जो होते हैं, शाह शुजा बंगाल का गवर्नर होता है, मुराद बल्ख होता है गवर्नर होता है, और वैसा होता है गुजरात का यहाँ पर। तो ये फ्रीडम कर डालते हैं अपनी अनाउंस और मार्च करते हैं आगरा की तरफ। वहीं पर जो औरंगजेब होता है वो गवर्नर होता है आपका दक्कन का, ये मार्च करते हैं दाशिकों को ये हराते हैं। तो जो हम कहते हैं जो शाह शुजा है उसको मार दिया जाता है, दाशिकों को मार दिया जाता है यहाँ पर। जो बचता है मुराद उसको बाद में मारता है औरंगजेब। समूर की बैटल होती है दाशिकों और जो औरंगजेब है उनके बीच में। देन यहाँ पर हम देखते हैं भैया कौन बन जाता है यहाँ पर रूलर, औरंगजेब। और इस तरह से रेन खत्म हो जाता है यहाँ पर हमारे शाहजहां बादशाह का। तो ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।